एक्चुअली आई डिस्कस इट विद माय हस्बैंड एंड देन ही सेड कि उस केस में पहले डेफिनेट आता है क्रिटिकल एंड देन इनडेफिनेट आता है. तो जिस बात की मुझे लास्ट क्यू NVDA होता क्या है, एक बार सबको पता चल जाए. N का मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है. N मतलब सब्जेक्ट एंड V इज वर्ड, D इज दैट इज बट पर्सन एंड A इज अकुलेटिव. ये थिंग के लिए आता है. जब भी NVDA, ये NVDA का मतलब ही है जब दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं. NVDA सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल है, मतलब सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस है, इससे छोटा सेंटेंस हो नहीं सकता. तो ये जो वर्ब है, कभी कभी तो बात यहीं पे खत्म होगी. ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब है इस सेंटेंस में केवल एन ही है. इसका मतलब एन ही है, एन और वी बोल दो आप, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, एन वी है इसमें. कभी कभी होता है एन वी ए का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एंड अकुजेटिव ऑब्जेक्ट. कभी कभी होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड डी मतलब डैटिव ऑब्जेक्ट. ये सारा डिसाइड किससे होता है, मोस्टली वर्ब डिसाइड करती है ना, कि ये वर्ब अकुजेटिव है तो अकुजेटिव हो जाएगा, ये वर्ब डैटिव है तो डैटिव हो जाएगा. अब दो ऑब्जेक्ट आ जाए, दोनों थिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, अकुजेटिव उंट अकुजेटिव हो जाएगा. जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब डैटिव, एश हेल्प है डियर. ये डियर क्यों आया, क्योंकि हेल्प एंड डैटिव वर्ब है, आई एम हेल्पिंग यू. अगर मैं ये बोलूं आई एम हेल्पिंग यू एंड योर ब्रदर, दोनों की हेल्प करता हूं, तो दोनों ही डैटिव है ना, दोनों ही पर्सन है, तो ये हो जाएगा एश हेल्प है डियर ऑन्ट डाइनम ब्रूडर. ये क्या किया मैंने, कि ये जो डियर था पर्सन उसको डाटिव लिया, और ये एंड लगा के ये दूसरा भी पर्सन ही है, इसलिए भी डाट इसको भी डाटिव ही लेंगे. तो इसको एनवीडी ये नहीं बोलते, ये तो दोनों ही, ये तो एनवीडीडी हो गया एक तरह से, क्योंकि डाटिव और फिर डाटिव तो दोनों ही पर्सन है. लेकिन एनवीडीए का मतलब है दो ऑब्जेक्ट में एक पर्सन है और एक थिंग है, तब उसको एनवीडीए बोलते हैं, जब एक पर्सन आए और एक थिंग आए. और इसके लिए एक बात तो ये है कि मैंने आपको ये बोला था कि इनके लिए वर्ब में फिक्स है, कौन कौन सी वर्ब में एनवीडीए होता है, जेंडर जेंडर शिकन शिकन शंकन शिकन शंकन पाउफन लाइजन पाउफन फरकाउफन फरकाउफन गेबन गेबन साइगन साइगन रेकॉर्ड श्राइबन रेकॉर्ड मारन अर्क्लेरन एक्सेलन अर्सेलन एम्पेलन एम्पेलन. इस तरह की वर्ड, ये वर्ड कौन सी है, ये वर्ड वो है जिसमें मीनिंग ये निकलता है कौन किसको क्या. मैं आ रहा हूं आपके पॉइंट पे, कौन किसको क्या, कौन किसको कब. कौन तो है सब्जेक्ट, और जो किसको है वो डैटिव पर्सन है, और क्या है वो थिंग है. मैं मेरे भाई को पैसे देता हूं, तो मैं मेरे भाई को पैसे, गिवन भी इसमें लिखी है ना, हाँ लिखी है, ये भी देना. तो इश गिव है, अब वर्ड तो आ गई, पर्सन पहले आएगा डैटिव बन के, तो माइनम ब्रूडर गिल इस गेब है माइनम ब्रूडर गिल. तो इसमें ये कौन, ये किसको डाटिव, और क्या आकुजेटिव. ये बात तो हुई टू वे,
ये वर्ब टू वे, जो वर्ब है ना ये जो एनवीडीए वाली, ये टू वे है एक्चुअली। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितनी भी वर्ब है इन वर्ब्स के बाद में अगर पर्सन आ रहा है तो डेटिव, और इस पर्सन इन्हीं वर्ब्स के बाद में अगर थिंग आ रही है तो अकुजेटिव। सर आई हैव अ एग्जांपल, आई गिव द ब्लैक फॉरेस्ट केक टू अ वुमन। आई गिव द केक, द ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ द केक टू अ वुमन। आई गिव द केक a woman, yeah, ये sentence है suppose, yeah, तो इसमें I give ish give ish give क्या आना चाहिए rule के हिसाब से? I know lady आना चाहिए ना, person आना चाहिए ना, yeah, तो ish give einer Frau, क्योंकि person भी dative बन के आएगा, पर्सन डाटिव, तो आइनर का आइनर हो जाएगा, टेबल याद है ना आइन वाली, आइनर फ्राउ, और केक को बोलते हैं डेर कुखन, तो इस गेम है आइनर फ्राउ डेन कुखन, ये तो वो अपना एनवीडीए रूल है। अब आपको ऐसे लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा था वो बताओ अभी। I discussed it with my husband. He said कि पहले definite article आता है, then indefinite. नहीं ऐसा नहीं है, वो कोई और बात है, ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे जो person जो भी है ना वो definite है indefinite है फर्क नहीं पड़ता, ये भी definite है indefinite है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इसके definite indefinite होने से ना इसके definite indefinite, ठीक है, वो फर्क कब पड़ता है, एक जगह फर्क पड़ता है वो अलग चीज है, उसको मैं अभी मिक्स नहीं करूंगा, अब थोड़े से बड़े हो जाओ मतलब पुराने हो जाओ, पांच सात दस दिन बाद में वो चीज बताऊंगा, अदरवाइज आप क्या मिक्स कर जाओगे, बट ये डाटी इसका डेफिनेट इनडेफिनेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। मैंने यही सेंटेंस बोला, बट देन ही सेड कि इट विल बी इश गेवे देन कुखन आइनर फ्राउ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही होगा, तुम सही हो, ठीक है, उनको बोलना चॉकलेट लेके आना, ठीक है। सर ये जो डिसेंडेंट और ये सब अभी ये जो आपने बहुत जो लिखे हुए साइड, हाँ इनका क्या स्पेशलिटी है इसकी, इन वर्ब का स्पेशलिटी ये है कि जब भी ये वर्ब आएंगी, हमने एक क्लास में ऐसे डिस्कस किया था कि जैसे A1 में भी हम लोग करते हैं, वो वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा मैं जो आज नए आए हैं, कि वर्ब देखते ही हमको पता लगना चाहिए कि ये वर्ब तो अकुजेटिव है, ये वर्ब नॉमिनेटिव है, ये वर्ब डेटिव है, वो देखते ही पता चल जाएगा आपको, है ना, मैं शेयर कर दूंगा चीजें, लेकिन वर्ब देखते ही ये वाली वर्ब आए, जो नॉमिनेटिव वर्ब है वो नॉमिनेटिव है, जो डाटिव वर्ब है वो डाटिव है और अकुजेटिव है वो अकुजेटिव है, लेकिन ये कुछ वर्ब स्पेशल है, इन वर्ब्स में इन वर्ब के बाद में अगर पर्सन आ गया तो केस होगा डाटिव, और इन वर्ब्स के बाद में अगर थिंग आ गई तो होगा अकुजेटिव। जैसे दो तीन सेंटेंस और बनाते हैं अपन, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नॉमिनेटिव अकुजेटिव डाटिव के साथ ही। कैटेगरी है इसको, आप एनवीडीए वर्ब लिख सकते हो, बोल सकते हो, बट नेट पे लिखोगे तो मिलेगा नहीं शायद, ठीक है, इनको वेक्सल बोल सकते हो, मतलब टू वे वर्ब्स का मतलब ये वर्ब मौका देख के अकुजेटिव बन जाती है और मौका देख के डाटिव बन जाती है, एनवीडीए रूल बोलते हैं इसको, तो आप एनवीडीए वर्ब्स बोल दो इनको, टू वे वर्ब्स बोल सकते हो इनको, टू वे, जैसे प्रीपोजिशन अपन टू वे प्रीपोजिशन लर्न करते हैं, ऐसे वर्ब्स को टू वे वर्ब्स बोल सकते हो आप। तो इसका एग्जांपल जैसे यहां पे मैंने दिया इश गेवे माइनम ब्रूडर, तो ब्रदर आया तो इसको डाटिव लिया अपन ने, मान लो इसको उड़ा ही दूं मैं, ब्रदर को यहां लिखू ही नहीं, तो इश गेवे गेल, ये अकुजेटिव है। जैसे काउफन है, इश
है, शोकोलाड है, ये अकुजेटिव है, आई एम परचेजिंग चॉकलेट बिकॉज थिंग है ना चॉकलेट, तो इश काउफ है माइनम ब्रूडर आइन आउटो, तो माइनम ब्रूडर डाटिव होगा, पर्सन है इसलिए। शेंकर गिफ्ट करना, आप पूछो मेरे से कि भाई किसको गिफ्ट कर रहे हो ये घड़ी, तो मैं बोलू एश शेंकर माइनर फ्राउ, इस शेंकर माइनर फ्राउ, ये माइनर का मतलब ये को, किसको, इन वर्क में कौन किसको क्या है ना, तो एक पर्सन को हमेशा किसको कैटेगरी में आ गया, तो मेरी वाइफ को, इस शेंके माइनर फ्राउ, घड़ी के लिए मैंने इशारा करके आपको बोला शेंके माइनर फ्राउ, मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूं, चलो मैं वाइफ को इसमें लाता ही नहीं हूं, मैं बोलूं मैं घड़ी दे रहा हूं, कि मेरी बेटी ने बोला मम्मा को क्या गिफ्ट कर रहे हो, तो मम्मा तो समझ ही गए हम दोनों किसकी बात हो रही है, तो मैं बोलूंगा एश शेंकर व्यूअर या फिर द आर्म बांड व्यूअर, तो ये जो घड़ी आई है ये आपको डाटिव, वर्ब सेम है, यहां भी वर्ब सेम है, लेकिन ये वर्ब पर्सन को देख के डाटिव बन जाती है, थिंग को देख के आपको डाटिव बन जाती है, ऐसे इन सब वर्ब के साथ है, ये स्पेशल कैटेगरी होगी सब वर्ब्स की, और मेनली यही वर्ब है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब, और इनके अलावा अगर किसी वर्ब के साथ ये फॉर्मूला सेट जा रहा है कौन किसको क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई एम गिफ्टिंग, आई एम प्रेजेंटिंग द क्लॉक रिस्ट वॉच, मदर का आर्टिकल भी दी है, और जो लास्ट में डी है तो उसमें डाटिव और अकुजेटिव बोथ ऑब्जेक्ट है ना, तो उसमें लिविंग और नॉन लिविंग परमानेंट यही रहेगा, पर जो लिविंग है वो डाटिव है, नॉन लिविंग है वो अकुजेटिव है, ऐसे मत समझो इसको, लिविंग हाँ आप कह सकते हो, सही बोला तुमने, नो प्रॉब्लम, क्योंकि थिंग जो होगी वो जनरली नॉन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे ना उसकी, ठीक है। अब ये समझ लो कि आप किसी को देते हो तो कोई जनरली दीवार को तो कुछ दे नहीं सकते ना, तो कोई ना कोई रिसीव करने वाला होगा उधर, तो जनरली वो पर्सन होता है, लिविंग नॉन लिविंग भी देख सकते हो, ठीक है। The arm band over है, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे कोलेजी वाटी का ये आता है, लेकिन माइनर आएगा तो एक मिनट अपन पर यहाँ पे एक बार पजेसिव लिख दूँ मैं थोड़ा सा, ताकि बाकी लोग लोग रिलेट कर लें, इश डू एयर एस जी वीयर ईयर जी जी, इसका पजेसिव होता है इसका माइन, डू का डाइन, एयर जाइन, एस जाइन, जी ईयर, उंजर, ओयर, ईयर एंड ईयर, तो ये तो मैंने ओरिजिनल फॉर्म लिखी है अभी, है ना। अब किसी को भी एक को ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा। इसका माइंड मतलब ये अभी तक था मैं, आई ये है माई, मतलब हिंदी में बोलोगे तो मेरा मेरी मेरे कुछ भी हो सकता है, ये है ना,
अब ये कुछ भी कैसे होगा उसके लिए हम एक को टेबल बना लेते हैं माइंड की। ये नॉर्मल वैसे ही टेबल है जैसे काइन की है, आइन की है, तो माइंड की टेबल माइन माइन है माइन माइन है हियर माइनर माइनर माइन है माइन है माइन 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 है डाटिव में माइनम माइनर माइनर माइनम माइनन प्लस एन। ये आपका नॉमिनेटिव अकुजेटिव डाटिव। तो जैसे ये माइन का है ऐसे ही सबकी टेबल बन जाएगी। अगर ये मान लो डाइन है तो डाइन 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 डाइनम डाइनर डाइनम डाइनन प्लस एन राइट। तो ये माइन का जाइन का होगा तो जाइन जाइन है वैसे ही हो जाएगी टेबल सारी। अब बोलो आप अगर हमने बोला यहां पे माइनर फ्राउ जिसका भी दी आर्टिकल है तो ये फेमिनिन के हिसाब से चलेगा, जिसका भी मैस्कुलिन इसके हिसाब से चलेगा, न्यूट्रल है इसके हिसाब से चलेगा और प्लूरल है तो इसके हिसाब से चलेगा। तो टेबल बन जाएगी। हाँ सर ठीक है ये आई गॉट इट। सर मेरा क्वेश्चन था इन केस अगर नॉर्मल साथ आते हैं तो जैसे इसमें ये आर्टिकल भी आया है एंड यहाँ पे पॉजिटिव नाउन भी आता है दोनों एक साथ आते हैं इन सब केसेस में हम नॉर्मली जैसे करेंगे सेम करेंगे या फिर एक का एंडिंग हम फिक्स करते हैं। एक्चुअली दोनों साथ कैसे आते हैं जैसे मान लो कोई बोले घड़ी है तो घड़ी का तो दी हुआ है ये घड़ी है right. तो आप जब कह रहे हो कि मेरी घड़ी तो मेरी बोलते ही ये तो उड़ गया इसी की जगह तो माइन वर हो गया yes. दोनों थोड़ी आएंगे दी और माइन दोनों नहीं आएंगे हमको हाँ हमको पता है इसका आर्टिकल फेमिनिन है इसका आर्टिकल फेमिनिन है तो फेमिनिन में ये फिट हो गया ना बस
बिल्ली मेरी, तो मेरा और मेरी में ही चलेगा सारा, ठीक है। लेकिन जर्मन में तो न्यूट्रल भी है, तो अब न्यूट्रल संस्कृत में रंग बोलो रे क्या, हम संस्कृत में सर ऐसे ही करते थे, तो ये रंग बोलो रे ना इसे इमेज करना पड़ता था उनको। हाँ, तो तुमको तो बड़ा फायदा हो रहा होगा। यस सर, राइट। सो हम लोग हर बार, किसी ने बोला ना कि दिस इज माय कार, you have my pen, they have my chocolate। ये देखो तीन सेंटेंस लिखे हैं मैंने, दिस इज माय कार, यू हैव माय पेन, दे हैव माय चॉकलेट। तो दिखने में तो आपको तीनों माई दिख रहे हैं, लेकिन सेम थोड़ी ही है, डिफरेंट है ना। अगर मैं यहां लिख दूं सी हेल्प्स माई बेबी, तो दिखने में तो सारे आपको माई माई दिख रहे हैं, लेकिन अपन को पता है ना कि यहां पे माई जो है वो सब्जेक्ट है, और कार को हम दास ऑटो मान लेते हैं, तो सब्जेक्ट और न्यूट्रल है। सब्जेक्ट और न्यूट्रल जब होगा तो कहां पे जाएगा ये टेबल में, न्यूट्रल सब्जेक्ट तो माई है, यहां पे जाएगा। न्यूट्रल में नॉमिनेटिव है। दूसरे सेंटेंस में जब मैं बोलता हूं यू हैव माई पेन, तो हाबन वर्ब देखते ही आपको पता चला कि ये वर्ब कौन सी कैटेगरी की है, नॉमिनेटिव अकुजेटिव या डेटिव। अकुजेटिव है, तो इसका मतलब है आपको ये पता है, इस वर्ब के कारण पता है कि केस अकुजेटिव होगा और ये पेन मैस्कुलिन है, तो अकुजेटिव मैस्कुलिन ढूंढो है, माइनन ये मैस्कुलिन और अकुजेटिव, तो माइनन, यहां पे ये माइनन बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले आपने माई को ही माइन बोला था, आगे देखते हैं। दे हैव माय चॉकलेट, चॉकलेट तो दी शोकोलाडे होता है, चॉकलेट होता है दी शोकोलाडे। तो आपकी बार कहां ढूंढेंगे, वर्ब तो अकुजेटिव वो की वो, तो अकुजेटिव फेमिनिन, तो आपकी बार ये जो माइन है ये यहां पहुंच गया, फेमिनिन और अकुजेटिव पहुंच गया ना। और अगर मैं ये बोलता हूं सी हेल्प्स माय बेबी, तो हेल्पन वर्ब का पता है कौन सी कैटेगरी की है, डेटिव है, और बेबी कौन न्यूट्रल है कि अकुजेटिव है, क्या ओके। तो इस केस में डेटिव और न्यूट्रल चाहिए अपन को। वर्ब तो ये बता रही है आपको कि केस क्या होगा, और वो ये बता रहा है कि भाई इसका जेंडर क्या है, क्योंकि इससे मान लो आपने ये पता लगा लिया कि है तो डाटिव है, तो भाई डाटिव तो ये सारी है नीचे वाले, इसमें भी कहां एड्रेस सही बताओ यार, डाटिव तो ये पूरी लाइन ही है, अकुजेटिव तो ये पूरी लाइन ही है, नॉमिनेटिव तो ये पूरी लाइन ही है, सही एड्रेस बताओ, पहुंचेगी ना कैसे। तो फिर डाटिव के साथ में ये भी बताना पड़ता है कि ये बच्चा न्यूट्रल है, तो डाटिव न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल और डाटिव यहां पे है, तो इसका मतलब है दिखने में इंग्लिश में देखो माई 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 सब माई था, ये सब माया है। सो ये सब माई माई था, लेकिन हमने वर्ब और उसका जेंडर ये दोनों देख के डिसाइड किया कि भैया कहां पहुंचना है अपन को। तो हर बार हम लोग दोनों चीजें देखते हैं, वर्ब बताती है कि कौन सी कैटेगरी में है, और जो नाउन है वो बताता है इसका जेंडर क्या है। तो ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सी लगती है शुरू में, बट बार बार करने से ये सब टिप्स पे आ जाते हैं, टिप्स पे आते हैं उसके बाद ही अपन बोलते हैं, नहीं तो डर लगता रहेगा। जैसे अभी मान लो आप बहुत डरे हुए हो, सपोज डरे हुए हो, नहीं आप लगता नहीं मुझे, बट हो सकता है कुछ लोग डरे हुए हैं मन ही मन में, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि मेरे को आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था बी1 में मैं कैसे आ गया, राइट। मैं बी1 में आ गया तब तक ये नॉमिनेटिव अकुजेटिव का चक्कर ही चल रहा था, तो आप में मान लो कि अभी नॉमिनेटिव अकुजेटिव का चक्कर चल रहा है, तो ये कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप तो ए1 ही किया है अभी,
लेकिन अब ये क्लियर नहीं हो अगर ए टू में भी तो ये टेंशन वाली बात रहेगी, बट ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। सो बार बार करने से ये प्रैक्टिस में आएगा एक्चुअली कि ये कैसे चल रहा है, ये नॉमिनेटिव है, अकुजेटिव है, डेटिव है, क्या है। आपने एक लर्न कर लिया ना, एक लर्न कर लिया तो सब लर्न हो गए, ये समझ लो कॉन्सेप्ट ही समझने की बात है। एक साधे सब सदगे, जो आपने माइंड किया ना ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि माइंड तो रहने दो यार, डाइन की टिकल सुनाओ सुनाओ एक बार। डाइन डाइने डाइन डाइने डाइनन डाइने डाइन डाइने डाइनम डाइनर डाइनम डाइनर, हुआ ना। तो इसका मतलब हम करते क्या है एक्चुअली, इसमें हम लोग जो ओरिजिनल है पहला, पहले को लिख देते हैं और दूसरे के साथ में ई और लगा देते हैं, फिर तीसरे को वैसा का वैसा लिखते हैं और चौथे के साथ फिर ई लगा देते हैं, दूसरे में जो ओरिजिनल है उसके साथ ई एन लगाते हैं और इधर वैसी की वैसी कहानी है, और इसमें ओरिजिनल के साथ ई एन लगाते हैं, ओरिजिनल के साथ ई आर लगाते हैं, और ये ओरिजिनल के साथ ई एम और यहाँ पे ई एन, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे आपने मान लो डाइन को टिकाया तो डाइन और डाइन के साथ ई लगाना है, डाइन डाइने डाइन डाइने डाइनन डाइने डाइन डाइने डाइन डाइन तो है ही ओरिजिनल, डाइनम डाइनर डाइनम डाइनन प्लस एन। अब मान लो कोई बोले कि ईयर बताओ, तो ईयर में भी हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ओरिजिनल कुछ तो होगा ईयर का है ना, तो ईयर के साथ ई लगा देंगे। तो इसको कौन बताएगा, सोनिया तुम बताओ ईयर को। ओके ठीक है, स्वाति जैन का बताओ, जैन का वाला।
sentence hai na, this is my car. This is Das is my auto. Correct. Das. Third one kaise banega? They have my car. Das is my auto. जैसे ये आपने बना दिया, ये जाइन वर्ब थी नॉमिनेटिव, लेकिन दे हैव माई चॉकलेट ये बनाना है. सो दे को बोलो क्या बोलते हैं? देखो 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 ये बोलते हैं ना, ये वाला लास्ट वाला ये है दे, तो जी आ जाएगा. जी हबन दे के साथ ये लगता है जी हाबन. और चॉकलेट जो है फेमिनिन है तो माइने, क्योंकि दी शोकोलाड है. देखो यहां लिखा मैंने दी शोकोलाड है, तो यहां पे हो जाएगा माइने शोकोलाड है. ये माइने शोकोलाड है जो हमने किया, शोकोलाड है ये. माइन की टेबल मान लो इसको, ये लिखी हुई है ना माइन की. तो सो हमने क्या किया, हाबन से आपको पता चला कि अकुजेटिव है, तो अकुजेटिव और फेमिनिन, तो देखो फेमिनिन का अकुजेटिव क्या आएगा, माइने, इसलिए हमने इसको मायने किया. मैं एक काम करता हूं, कुछ और कर लेने के बजाय आपको इतने जो किया अभी, इसी के 5-7 सेंटेंस बताता हूं, वो आप ट्रांसलेट करके लाना. आएगा ना? नहीं, ठीक है. बीर की स्पेलिंग क्या होगी? बी डब्ल्यू आर. इंग्लिश में बी ई आर डब्ल्यू आर है. ओके, सो योर ब्रदर इज ड्रिंकिंग माय बियर. तो हम एक सही हैं. पेज 10 इज नाइस. I don't have your bag. She is traveling to Delhi. Too much.
their uncle and the child are coming from house. So maybe these 10 sentences. इसके अलावा कुछ एक आध आप अपनी तरफ से भी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है.